रूस का ऐसा हथियार जिसे देख कांप गया दुनिया, अब यह हथियार आ रहा है भारत में। रूस ने रणनीति अपनाई, जो ज्यादा बोलेगा वह पहले उड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब रूस नामो निशान मिटाने जा रहा है। ऐसे देश का जो व्लादिमीर पुतिन उन सभी देशों पर ज्वालामुखी की तरह उबल रहे हैं, जिसमें से एक है यूक्रेन। जी हाँ, अब यूक्रेन का खात्मा रूस करने वाला है, वह भी अपने ऐसे हथियार से जो भारत इसकी उम्मीद लेकर आया था। रूस, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। वैसे देखा जाए तो इस युद्ध में रूस की जीत नजर आती हुई दिख रही है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए रूस ने अपने ऐसे हथियार को डेवलप किया है जिससे यूक्रेन की कमर को तोड़ कर रख देगा। आपको यह यूं ही कोई छोटी मोटी चीज लग रही होगी, लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही है। इसके कारनामे इतना शानदार है कि खुद यूक्रेन की इस समय सीटीपीटी गुम हो चुकी है। रूस के इस हथियार को देखकर यूक्रेन तो चौंका ही चौंका, लेकिन इधर रूस के इम्प्रेशन बता रहे हैं कि यह हथियार कितना खतरनाक है। इस डेंजरस हथियार का नाम Su-70 रखा गया है। नाम छोटा सा है, लेकिन कारनामे 100 फाइटर जेट जीतने हैं दोस्तों। यह U-7 करीबन 30 से लेकर 4000 किलोग्राम तक के बम ले जा सकता है और दुश्मनों के ऊपर गिराकर वापस भी आ सकता है। इसीलिए मोदी जी ने इस Su-70 को अपनी डील में शामिल किया और रूस से डील की है। सबसे पावरफुल हथियार अब Sukhoi-70 को माना जा रहा है। हालांकि पावरफुल हथियार और भी है, लेकिन अभी के समय रूस इस हथियार को यूक्रेन पर दागने वाला है। बस कुछ समय और लोगों की जुबान से यह सुनने को मिल रहा है कि अब यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अब मैं जो आपको आर्टिकल दिखाने जा रही हूँ उसे आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलो देखो, दरअसल रूस ने अपने इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतार डाला है। और अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते ये कौन सा वेपन है, तो इसका नाम है Sukhoi-AU-70 ओखोतनिक बी, और इसका निक नेम है हंटर बी। जी हाँ, दरअसल ये एक प्रकार का स्टेल्थ बम विमान है। जी हाँ, यह एक बॉम्बर है जो कि स्टेल्थ है। जिस प्रकार से अमेरिका का बीट स्पिरिट बॉम्बर है, कुछ इसी का से है रूस का A-7। और अब रूस ने अचानक से यूक्रेन के खिलाफ इसे युद्ध के मैदान में भेज दिया है, और इसी के साथ अमेरिका के बाद रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके पास ना सिर्फ एक स्टेल्थ बम वशक विमान है, बल्कि वह इसे युद्ध के मैदान में यूज भी कर रहा है। इससे पहले यह खिताब सिर्फ अमेरिका के बीट स्पिरिट बॉम्बर को हासिल था, लेकिन अब रूस का Sukhoi-AU-70 भी इस कैटेगरी में आ चुका का है। और आपको बता दूं, जितनी अच्छी खबर यह रूस के लिए है, उतनी ही अच्छी खबर यह भारत के लिए भी साबित हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक कारण है, और उस कारण का नाम है चीन। दरअसल पूरी बात यह है कि चीन ने इंडियन बॉर्डर के पास ऐसे बम वर्षिक विमान तो तैनात कर दिए हैं जो कि नॉन स्टेल्थ है, लेकिन अब उसकी प्लानिंग है कि उसकी सेना में H-2 सीरीज के स्टेल्थ बम वर्षिक विमान आने वाले हैं, और उन्हें वह सबसे पहले इंडियन बॉर्डर के पास तैनात करें। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास एक भी स्टेल्थ वेपन नहीं है जिससे कि वह चीन को टक्कर दे सके। और आपको बता दूं कि जितनी बड़ी समस्या आपके लिए एक स्टेल्थ फाइटर जेट होता है, उससे 10 गुना बड़ी समस्या एक स्टेल्थ बॉम्ब वशक विमान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, वह आपके ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा भी तो मुश्किल से 5 से 6 मिसाइल्स गिराकर वापस लौट जाएगा। लेकिन जो एक बम वर्षिक विमान होता है, का काम ही होता है कि आपके ऊपर इतने बम बरसाए जाए कि आपके देश में घास का एक तिनका भी ना बचे। ऊपर से अगर स्टेल्थ है तो आपके ऊपर हमला करने आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिशा से आ रहा है, कब आया, कब हमला करके वापस लौट गया। और बम वर्षक विमानों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटे से छोटा बम वर्षिक विमान भी अपने साथ करीबन 30 से लेकर 4000 किग्रा तक के बम ले जा सकता है। यानी कि जब आप पर यह स्ट्राइक करेगा तो आपके पूरे देश के एक हिस्से को हिलाकर रख देगा। इसीलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बम वर्षक विमान हो,
ताक दुश्मन के मन में यह बात रहे कि अगर हमने भारत पर स्ट्राइक करी तो भारत के पास भी स्टेल्थ बम व शक विमान है, वह भी हम पर इतनी ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अभी तक भारतीय वायुसेना के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन सुखोई Su-70 के मैदान में उतरने से भारत के लिए रास्ता खुल गया है और इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इसे अपनी वायुसेना के लिए एक्वायर करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल सबके मन में है, वह यह है कि रूस अभी तक कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को 100% मास्टर नहीं कर पाया है, यानी कि इन्होंने जितने भी स्टेल्थ वेपन बनाने की कोशिश करी है अभी तक वह 100% स्टेल्थ साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठेगा कि क्या सुखोई A-7 100% स्टेल्थ बम वशक विमान है। दोस्तों, ये खबर यही तक थी। वैसे आप सभी इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, कहीं जाना मत। हम एक और खबर की बात करने वाले हैं जिसमें चीन से आए एक जहाज को भारत के द्वारा जब्त कर लिया गया है जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रहा था, और यह पिछले 6-7 महीने में दूसरी घटना है जब भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज के सामान को जब्त किया हो। अब भारत ने ऐसा क्यों किया और इसके अंदर क्या भरा हुआ था, तो चलो शुरू करते हैं इस खबर को भी। दोस्तों, चेन्नई में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जा रहे एक खतरनाक केमिकल्स यानी रसायनों की खेप को जब्त किया है। यह खेप चीन से आ रही थी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायन थे जिनका उपयोग आंसू गैस और दंगा नियंत्रण एजेंट्स के लिए किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की मदद से एक रासायनिक और जैविक युद्ध कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इस खेप को चीन की एक कंपनी चेंडू सिचन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रावलपिंडी स्थित रक्षा आपूर्तिकर्ता रोहेल एंटरप्राइजेस को भेजा था। इस खेप में लगभग 560 किग्रा रसायन था जो 103 ड्रम में भरा हुआ था। यह खेप 18 अप्रैल 2024 को पोर्ट चीन से भेजी गई थी और 8 मई 2024 को तमिलनाडु के कतप रिपोर्ट पहुंची। कस्टम अधिकारियों ने नियमित जांच के दौरान इस खेप को रोक लिया क्योंकि इसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिडेन मोलनोम नामक केमिकल था जो भारत की निर्यात नियंत्रण सूची स्कोमेट में एक नियंत्रित पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध है। अधिकारियों ने एक्सपर्ट की मदद ली और रसायन की जांच करने पर पाया गया कि यह रसायन बसना अरेंजमेंट के तहत सूचीबद्ध है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ है लेकिन चीन और पाकिस्तान ने नहीं किया। इसके बाद इस खे को कस्टम अधिनियम 1960 और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की खेप को पकड़ा गया है। इसी वर्ष मार्च में मुंबई के नहावा सेवा पोर्ट पर भी इसी तरह की खेप को जब्त कर लिया गया था जो पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी थी। उस समय भी खेप चीन से आई थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर बताइएगा, इससे मैं समझ जाऊँगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को इस खबर पर क्या कहना है, और गाइस, रूस और भारत की दोस्ती आपको अच्छी लगती है या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।